परम सत्कार योग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान मित्रों, मेरिया सत्कार योग भैणा, बुजुर्ग नौजवान फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिहड़ा आपां जिवें कल नूं KMP जाम करन दा प्रोग्राम लिखिया, उहदे संबंध दे विच कल सारा दिन, कल भी ते परसों भी मीटिंगां चलदियां रहियां कि किस तरीके दे नाल जाम करना है। परसों पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग होई सी पहलां, उस तो बाद हरियाणे दीआं जथेबंदियां दी भी एक मीटिंग होई, और उस तो बाद फिर कल संयुक्त किसान मोर्चे कहण तो भाव पूरे देश लैवल दीआं सारीआं जथेबंदियां दी एक मीटिंग होई है। उस मीटिंग दे विच बहुत सारिया विचारां होईआं है, जिन्हां विचारां तो साडी समुची जमात नूं, समुचे वीरां नूं जिहड़े इत्थे अज अंदोलन दे विच पार्ट बने बैठे ने, हिस्सा लै रहे ने, लंबे समय तो लगभग 4 महीनों तो उपर समा बीत गया उन्हां दा। इन्ना लंबा समा अंदोलन करदे होण तो बाद अंदोलन अज कहड़ियां स्थितियां च है, सरकार दीआं की व्योंतबंदियां है, अपनी अगों की किहे जी व्योंतबंदी होनी चाहीदी है, इहदे ते 2 दिन मंथन होया है, और उस मंथन दे विच्चों जो कुछ निकलिया तुहाडे तक पहुँचाउणा जरूरी समझदे होए असीं भावें मीटिंग है साडी इक उहदे टिकरी बॉर्डर ते होर होणी, पर समझिया कि साडे वीरां तक माइक दे राहीं आवाज़ जरूर पहुँचनी चाहीदी है, ताकि पता लगे सारिआं नूं कि प्रोग्राम किस तरह का है। पिछली बार जदों आपां रोड ब्लॉक कीतियां सन पूरे देश दीआं, उस वेले उस समय कुछ समस्यावां आईआं जिन्हां नूं प्रैस दे विच वी बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते उभर के सामने आईआं, ते नाल कुछ इलाके दे वीरां तों वी जिहड़ियां मुश्किलां आईआं उह सांझियां होईआं, इक दूजे दे नाल बैठ के मीटिंगां होईआं। उन्हां मीटिंगां दे विच्चों जो कुछ कढ़िया ते उहनूं लै के आपां आ जिहड़ा नवां प्रोग्राम उहनूं सारे नूं अमल 'च लैंदिआं ये प्रोग्राम लिखे गए ने। एक तो जिवें दस गए ने जगमोहन वीर कि जिहड़ा KMP जाम करन दा प्रोग्राम है, वह कुछ समस्यावां नूं ध्यान 'च रख के कल नूं सुबह आपां 8 बजे जाम करना है, ते परसों 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक जाम रखना है, 24 घंटिया दा जाम है। इस गल दे उत्ते सारे मेरे वीरां ने पहरा देना, ध्यान देना, ते एक नाल ये जरूर ध्यान रखना है कि आपां जाम केवल KMP करनी है। कई बार जो जाम की गल आ जाती है उदों असीं इत्थों भी साइडां वालियां सड़कां जो निकलदे रस्ते आ उन्हां नूं जाम कर दिंदे आ, ते लोकां दी समस्या आंढ गुआंढ जिहड़े पिंड वसदे ने, लोक वसदे ने, उन्हां दीआं मुश्किलावां आउंदियां, उन्हां दीआं मुश्किलावां नूं, उन्हां दीआं समस्यावां नूं ध्यान 'च रख के ये प्रोग्राम के उत्ते ज़्यादा ध्यान दिता गया है। एक गल जिहड़ी बहुत जरूरी तुहाडे नाल सांझी करनी बनती है, वह ये है दोस्तों कि सरकार जिस तरह अंदरों डरी हुई है, उस तरह बाहरों अपना रुख अजिहा बना के तुहाडे सामने पेश होना चाहती है कि सरकार टस तो मस नहीं हो रही, या सरकार नूं इहदा ये अक्ष लोगों के सामने जाए कि सरकार नूं कोई परवाह नहीं, जिदे विच्चों बहुत तरह के फैसले लै रही है सरकार, जिमें काहल दे विच सरकार ने एक फैसला लिया, भावें वह असी अज ना किसान वह चाहता है तो ना वो साडा आड़तिया वीर चाहता, वो सिर्फ सरकार ने अज तक 30 साल पुरानिया मंगा जिहड़ियां कदे मंगदे सी किसान उन्होंने अज लिया के सामने रखे। उस वेले जो देश नूं पूरे नूं एक होने की लोड़ है, तो एकता बना के देश चल भी रहा है, और जिदे विच साडे आड़तिये वीरां दा भरपूर सहयोग है, पूरा सहयोग दे रहे हैं, चाहे वह आर्थिक पक्ष तो दे रहे होण, और इत्थे
बहुत सारे वीर है आरतीय परिवारों के विचों ऐसे भी है जिहड़े अपने धरने च भी बैठे ने और उस वेले इस एकता खंडाउण वास्ते एक नवी चाल चल दी बीजेपी वालिया ने इस सरकार ने कि किसानां दी सीधी अदायगी का जिहड़ा डंडा है वह लोगों के सामने लिया के रखता ताकि किसान ते आड़तीए का आपसी फर्क पवे ये आपसी टुटन आपसी नेड़ता इन्हां दी खिलरे इस गल दे विचों ये लैके आए ने जिहड़ा प्रोग्राम लैके आए ने हुण और इहदे नाल मैं एक गल होर दसा कि वड्डी पद्धर दे उत्ते पिछले दिन मीटिंग हुई साडी एक लुधियाणे दे विच ते साडा जिहड़ा मजदूर भाईचारा है वह सानू सहयोग देण दी गल कर रहा है पहला भी बहुत वड्डी पद्धर ते सहयोग आ पर उन्होंने मन्निया है कि असी एक धिर दे तौर दे उत्ते विच आ के उतरांगे असी एवें टुटमा या मतलब छोटी मोटी हमायत नाल कम नहीं चलना वह समझदी है इस गल नूं कि जिहड़ा जरूरी वस्तां दा कानून है वह जिहड़ा कानून है वह साडे लई मजदूरां लई आम खपतकारां लई घातक है किसानां नालों पहलां और यह समझ के उस मीटिंग दे विच उन्होंने अपने विचार भी रखे और यह कहा कि असी इहदे विच एकजुट हो के इस मोर्चे का सहयोग देवांगे और दे भी रहे ने उस दिन तो उन्होंने वीर इस मोर्चे च लगातार आने भी शुरू होए हैं तो मेरे दोस्तों हुण इहदे ते बीजेपी की करन लगी है इस गल नूं जरूर समझन की लोड़ है कि जिहड़ी बीजेपी अज तक भारतीय संविधान मनन लई तैयार नहीं सी जिहड़ी बीजेपी अज तक भारतीय संविधान मनन लई तैयार नहीं सी जिन्हें लगातार संविधान तोड़िया है जिन्हें लगातार संविधान की भावनावां दी उलंघना कीतियां है वह बीजेपी अज की कर रही है डॉक्टर अंबेडकर का दिन मनाउण जा रही है आ 14 तरीक नूं कहिंदे सी डॉक्टर अंबेडकर का दिन मनावांगे जिहड़ी बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग इस डॉक्टर अंबेडकर कदे गालां कढ़दे रहे ने कि उन्हां दा कानून बड़ा गलत है उन्होंने बड़ा माड़ा कानून बनाता और वो लोग अज डॉक्टर अंबेडकर का दिन मना रहे क्यों मना रहे हैं वो इस करके मना रहे हैं दोस्तों उन्होंने पता है इस गल का कि अज देश का किसान साडे नाल विरोध कर रहा है जदों असी बाहर किते डॉक्टर अंबेडकर का दिन मनाउण वास्ते जावांगे तां किसान साडा विरोध करनगे ते जदों किसान विरोध करनगे उदों सानू एक बहाना मिलू इह गल कहण दा कि असी तां डॉक्टर अंबेडकर का दिन मना रहे सी और जिहड़ा साडा विचारा बहुजन समाज के वीर ने एससी बीसी लोग वीर बैठे ने साडे उन्हां लोकां दा साडे नालों पाड़ा पाउण दे लई कि तुहाडे लीडर का दिन मनाउणा चाहुंदे सी असी और इहनूं सानू किसान मनाउण नहीं दे रहे इस करके ये गल सारी नूं ध्यान च लिया कल मोर्चे ने कि आपां जिहड़ा वैसे तां इह गल पीसी दे विच करन वालियां गल्लां है उहदे विच भी असी दसांगे पर इन्नी क गल जरूरी है मैं दसनी चाहुंदा इत्थे कि दोस्तों 14 तरीक नूं असी आम दिनां दे विच बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और करदे रहांगे इह कल फैसला होया जिहड़ा संयुक्त मोर्चे का मैं वह दसन लगा तुहानूं वो आम दाम टाइम के उस तरह चलता रहना और ये जरूर है कि काले झंडे से मतलब उन्होंने नारियां के नाल विरोध करना हाथा पाई वाली गल तो क्यों ये मैं दो तीन गल्लां दसनिया चाहना वो इसलिए है कि बीजेपी पंजाब नहीं कल्ला पूरे देश के हरियाणे के हालात बिगाड़ने चाहती है बीजेपी यह चाहती है कि तरह तरह के वो बयान दिते जान जिन्हां नाल लोगों के अंदर गुस्सा वधे और उस गुस्से तो भड़क के लोग साडे नाल लड़ाई सीधी लड़ाई दे विच पैण ते उत्थे जाके लोकां दा जिहड़ा अंदोलन इत्थों दा अंदोलन आ जिहड़ा वो हरियाणे दा हरियाणे सीमित रह जाए पंजाब दा पंजाब सीमित रह जाए और जिलियां दे विच लोग अंदोलन लई खिलर जाण और इत्थों दा अंदोलन कमजोर हो जाए ये सियासत दे चाल दे नाल वो तुहाडे नाल सीधी टक्कर लैण दे विच विचार बना के वो अपने लीडरां तों अजिहे ऊट पटांग उल्टे सीधे बयान दे के दवा के तुहाडे नाल सीधी टक्कर करनी चाहुंदे आ मेरे दोस्तों इत्थे सानूं बहुत संजम बहुत सबर बहुत दिमाग लड़ा के इस उन्हां दी चाल नूं फिर कट्टण दा समां एक बहुत वड्डा वार आ उन्हां दा साडे ते
और इसलिए फैसला होया कि जिहड़ा 14 तरीक नूं कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर अंबेडकर का दिन मनाउंदा कोई भी मनाउंदा है वह मनावे सानू कोई इतराज नहीं असी भी इत्थे मनाउणा है और 14 तरीक नूं आपां इह फैसला करिया होया है कि अगर किसी भी थान के उत्ते जाके बीजेपी वाले भी कोई दिन मनाउंदे है तो कृपा करके इस गल नूं ध्यान च रखदिआं मोर्चे की वड्डेपन नूं ध्यान च रखदिआं किसान मजदूर मुलाजम एकता नूं ध्यान च रखदिआं ये किसी ने अजिहा नहीं करना ताकि किसी तरह का यह ना जाए मैसेज कि अंबेडकर का दिन मनाते सके और किसानों ने एक जातिवाद वालू किसानों ले जाने की और इतने जातिवाद की गल फैला के साडे अंदोलन कमजोर करने की सरकार को ताकत ना मिले इस गल का आप सारे ने ध्यान देना है। और मेरे दोस्तों मैं जी बेनती कर रहा है उस तो होर बहुत सारिया गल् पास हुई ने जड़िया पीसी के साझिया भी करा तो एक यह गल जी बहुत इंपोर्टेंट सी जी ध्यान दे रख वाली जी मैं थोड़े तक पहुँचाउणी जरूरी समझदा सी तां मेरे दोस्तों जी मैं गल की कि सरकार बाहरों दबका विखाउणा चाहुंदी है जे अंदरों डरी हुई है वह गल तुसीं नोट कर लो दो तीन गल्लां तो कि इसे ही सरकार दे बहुत सारे सीनियर लोग किसी ने तो यह बयान दिता है कि किसानां नाल पंगा ना लो ये तीन तीन सौ साल नहीं भुलदे किसी ने यह किया कि इन्हां नूं MSP की गरंटी का कानून दिओ किसी ने यह भी कहता कि किसानां दे मसले नूं जल्दी सुलझाउणा चाहीदा है और इदूं भी गाहां इन्हां दीआं नीतियां नूं समझदे होए इन्हां दा जिवें तुहानूं पता अपने पंजाब वालिआं नूं तां खास करके मलोट दे विच जो घटना वापरी है उस घटना वापरन तो बाद BJP का देहाती का प्रधान छड़ के BJP नूं तुहाडे विच शामिल होया और तुहाडे अंदोलन च आया तुहाडे धरने जाके बैठा है ये तुहाडे लई एक पॉजिटिव गल है और BJP दे मूँह ते चपेड़ उहदीआं नीतियां दे मूँह ते चपेड़ मारी है उस वीर ने तुहाडे विच शामिल होके। सो मेरे दोस्तों आपां दिन ब दिन अगां वल नूं वध रहे हैं और जिवें जिवें इन्हां दा नुकसान हुंदा जा रहा है उन्हां नूं हुण इक्को ही रस्ता लभ रहा है कि अगर यह शांतिपूर्वक अंदोलन होर लंबा चल गया तो BJP का वड्डा नुकसान करेगा। अगर इहनूं अंदोलन नूं असीं BJP दे नुकसान नूं बचाउणा है तो किसी ना किसी तरीके दे नाल इन्हां लोकां नूं किसानां नूं उकसा के इन्हां नूं अग्रैसिव करके ये अंदोलन नूं खिंडाउण वास्ते राह अख्तियार किया जाए तुहानूं भड़का के आपके लीडरां दे नाल सीधी टक्कर दे विच पा के वो तुहानूं भड़काउणा चाहुंदे ने। इस गल ते आपां सारिआं ने बड़े सबर ते संतोख तो कम लैके अंदोलन नूं आखिरी पड़ाव तक जो साडी फॉर्म बना के चले होए आ जिस तरीके जिस फार्मूले नाल असीं जित वल नूं वध रहे हैं जिस तरीके दे नाल जो अज फिर दुबारा वर्ल्ड दे विच किसानी दीआं गल्लां हो रहीआं ने कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग दे विच इह गल होई है कि अज हुण फिर दोबारा पूरे देश दे विच जे किते किसानी आगुआं दी गल हो रही है किसानी आगुआं नूं बुलाया जा रहा है तो फिर कहा जा रहा है कि सिख चेहरा साडे भेजो ते इहदा मतलब मेरे दोस्तों तुहाडी मुड़ दुबारा चढ़दी कला मुड़ दुबारा इस पग दा इस दस्तार दा दी जय जयकार होण लगी है हिंदुस्तान नहीं कल्ले दे विच पूरे वर्ल्ड दे विच। इस गल नूं सामभ के इस गल नूं कायम रखदे होए आपां सारिआं ने बड़ी संभल दा संभल के कदम चकदिआं होइआं क्योंकि जो चिक्कड़ होवे ते धरती भी तिलकणी होवे उस वेले तां फिर पैर जमा जमा के धर के अगां तुरना पैंदा है और ये सानू सारिआं नूं लोड़ है इस गल दी हर एक अपना अपनी जिम्मेवारी समझ के इन्हां गल्लां ते पहरे देणे आ। नाल दी नाल तुसीं मैं बेनती कीती सी ना भी जिवें अंदरों डरे ने ते बाहरों अग्रैसिव नज़र आ रहे ने उहदे चों की देखिआ है कि कहिंदे जी असीं तां सिद्धी दैगी ही करांगे स्पष्ट है कि साडे नालों साडे आड़तीए वीरां नूं तोड़ना चाहुंदे ने आ जिहड़ी ये कह रहे ने कि असीं दिन मनावांगे ये स्पष्ट है कि साडे नालों साडा मजदूर भाईचारे नूं दूर करना चाहुंदी है सरकार। और इस तों अगे तुसीं इक होर कदम सुने देखिआ है कि DAP यूरिया दे विच वाधे कीते ने बेमिसाल वाधे कीते है जिहदे नाल किसानी दे उत्ते वड्डा बोझ पैणा है और वह जिहड़ी गल होई है उहनूं तुसीं अपने आप समझो
कि जिहड़ी सरकार कहिंदी है कि किसानां दी आमदन वधावांगे, उह सरकार किसानां दा खर्चा डबल हो रहा है, उहदे तों पिछा हटी होई है और उहनूं जबरदस्ती किसानां ते लागू कर रही है। तो दूसरे पासे कहिंदी है किसानां दी आमदन वधेगी। और ये मेरे दोस्तों, इन्हां दे खोखले वादे आहिस्ता आहिस्ता तुहाडे सामने नंगे हुंदे नज़र आ रहे ने। नाल इक गल होर नोट करियो, साडे प्रधानमंत्री जी पता की कह रहे ने, रोज़ लोगों एक भरम फैलाउंदे आ, रोज़ लोगों के बड़ा झूठ बोलते हैं। कि कहिंदे आ, कहिंदे जिहड़ी MSP है ये थी, ये है और रहेगी। ये गल का भरम आम लोगों के फैलाया जा रहा है कि असी MSP तो हिलाते ही नहीं। हुण मैं MSP के मसले से जे आप 2 मिनट की गल करिए, बाली लंबी गल नहीं मैं करनी क्योंकि मीटिंग जाना है, तो मेरे दोस्तों विचार करियो, MSP का मामला अगर था जो कहिंदे कि MSP थी, अगर है सी, यूपी दे बिहार दे किसान ने झोना आके पंजाब क्यों बेचा, इस गल का जवाब देवे सरकार। कोई जवाब नहीं। और अज बाहरलियां स्टेटां तो कणक दुबारा फिर आके पंजाब दे विच विकण वास्ते ट्रालियां दे ट्राले भर के आ रही है। तो इहदा मतलब सरकार दा इह गल और इह दावा इह वादा इह फोकियां फड़ां सब झूठ नज़र आ रही है। जे जेकर उत्थे कणक 1900 नूं विकदी हुंदी तां पंजाब दे विच यूपी बिहार तो आके कणक विकण दा कोई मतलब नहीं बनता सी, कोई तुक नहीं बनती सी, उत्थों आके कणक फिर विक रही है। तो मेरे दोस्तों जिहड़ी इह गल कहिंदे ने कि MSP थी, उहनूं अगर होर ध्यान नाल देखिए, MSP जिहड़ी मक्की ते MSP 1840 रुपये सी और किसानां बेचारियां नूं 600-700 नूं मक्की सिटनी पई है, ये भी तुहाडियां अक्खां दे सामने है। एक होर गल जिहड़ी इह कहिंदे ने कि असीं इहनां कानूनां दे राहीं देश दे किसान नूं जिथे मर्जी फसल बेचण दा अख्तियार देता, ये अख्तियार देता की गल करते हैं। तो मैं एक गल पूछनी चाहना इत्थे प्रधानमंत्री जी तो कि इस गल का जवाब देवे कि तुसीं लागू किया होया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हर किसान ने अपनी फसल जिहड़ी बेचनी है उहदे उत्ते पहला रिकॉर्ड देना पैना, जमाबंदियां देनियां पैणियां कि मेरे कोल इन्नी जमीन का मैं मालिक हाँ ते इन्नी जमीन दे विच इन्नी मेरी कणक है, वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दसेगी कि इहदा आ उत्पादन है ते इस किसान की इन्नी कणक विकनी है और उन्नी ही खरीदी जानी है। तो मेरी बेनती है मेरे दोस्तों, पंजाब का किसान की आपदी फसल का ब्यौरा बाहर जाके दिखा सकेगा, या बाहरला किसान की आपदी फसल का ब्यौरा आके पंजाब दे विच रख सकेगा, नहीं रख सकेगा। इहदा मतलब की है कि इहनां दी गल अपने आप आपा विरोधी है और झूठ है जो साबित हो रही है मेरे दोस्तों। जिहड़ा कानूनां च कह रहे ने कि असी किसान नूं जिथे मर्जी फसल बेचण दा अख्तियार देता, ये नहीं है दोस्तों। ये गल की है, ये गल ये है कि व्यापारी नूं खुल के लुट के लिया के इत्थे आपदी फसल नूं भरन दा मौका दिता गया है और उस तरीके दे नाल भरियां जा रही हैं। सो मैं ये जिहड़े सरकारां दे अजिहे फैसले ने इहदे तों सतर्क रहण दी लोड़ है। आपां जिहड़े इत्थे बैठे हैं तुहानूं सारिआं नूं मेरी हथ बन के बेनती है मेरे वीरो, हुण अपना ट्रेंड है, अपना ये कम बन गया कि आपां इत्थे छन्ना वगैरह बना के वह प्रोग्राम बना रहे हैं, तंबू वगैरह ला रहे हैं। थोड़ी जिहा किस गल दा ध्यान रख्या जाए, जदों तंबू लाउणे आ जां छन बनाउणे आ, एक तो दूसरी छन दा थोड़ा जिहा फैसला रख्या जाए, क्योंकि किते भी अगर कोई मिस हैपनिंग हुंदी आ, कोई घटना वापरदी है, कई वारी गर्मी का मौसम आना, सर्कट शार्ट हो सकते ने, कोई कारण होर हो सकता है, अग्गां वगैरह लगन दीआं घटनावां हो सकदीआं है, और उन्हां समयां दे उत्ते आपां इस गल नूं कंट्रोल करन दे लई थोड़ा डिस्टेंस बना के एक तो दूसरी का बनाइए, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई दुर्घटना वापरदी है तो उन्हें एरिए दे विच उहनूं कंट्रोल कर लिया जा सके। और आपां असीं संयुक्त मोर्चे वालों भी और तुहानूं भी सारिआं नूं मेरी अपील है कि इत्थे वध तों वध आपां पाणी दा प्रबंध, अग बुझाउण वाले यंत्रां दा प्रबंध भी करन दी कोशिश करिए, ताकि अगर कितें कोई घटना वापरदी है तो कंट्रोल कीती जा सके।
सो मेरिया इन बेनती है वह प्रवान करो अंदोलन शांतमई ढंग के नाल अपना अगे बढ़ रहा है पूरे देश के दे आप फैल रहे हैं और पूरे देश के दे जिमें जिमें फैलांगे उमें उमें बीजेपी का ग्राफ डाउन जाएगा जिमें जिमें बीजेपी का ग्राफ डाउन जाएगा उमें उमें तुहाडी जित वालों कदम वधणगे। सो इन्नी बेनती प्रवान करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दलियाल साहब ने बड़े विस्तार दे नाल आपां नूं जानकारी दित्ती है जो हथकंडे ये बीजेपी सरकार पिछले दिनों तो अपनाउंदी आ रही है कि इस मोर्चे नूं फेल कीता जावे, पर किसान वीरों आपां डटे बैठे हैं, ये काले कानूनां नूं वापस कराए बिना ये मोर्चा तो सरकार नूं भी पता अंदरों दहली हुई है सरकार कि मोर्चा नहीं उठूगा जिन्ना चर काले कानून वापस नहीं होंगे। सो हुण मैं बेनती करांगा अभिमन्यु कुहार जी नू जो हरियाणे दे नौजवान बहुत ही सूझवान ते गांहबधु आगू हैं अभिमन्यु जी वो मैक ते आउण ते किसान वीरां नाल अपने विचार सांझे करन। एक दो गड्डियां है के एफ सी ते खालसा एड दे विचाले पी वी 06 ते 0068 नंबर गड्डी है वो जेड़े भी मेरे वीर दी हैगी है वो कोशिश करे जाके उस गड्डी नू उत्थों पासे करे क्योंकि उसकी बहुत दिक्कत पै रही है। एक अपने पिछे गड्डी खड़ी है पी वी 04 ते 0052 वो गड्डी है जिस वीर दी वह भी किसान वीर पिछे जावे ते अपने गड्डियां रास्ते तो पासे करो क्योंकि आने जाने दे विच आपां नूं दिक्कत ना पवे। ये मेरी बेनती है कि जेड़े जेड़े किसान वीर दीआं गड्डियां दे नंबर बोले हैं वो छेती जाके अपनियां गड्डियां नूं पासे करन। हुण मैं बेनती करांगा मैनू जी नूं जेड़े ही नौजवान आगू हैं ते बहुत सरगर्मी नाल अपने इस मोर्चे दे विच हिस्सा ले रहे हैं वो मैक ते आउण ते अपने विचार साझे करन। आदरणीय संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ किसान नेता आदरणीय जगजीत सिंह दल्लेवाल जी और अन्य किसान नेता और मंच के सामने पंडाल में बैठे हुए मेरे नौजवान भाई, हमारे बुजुर्ग किसान, हमारी माताएं बहनें, सबको हाथ जोड़ के राम राम सत श्री अकाल सलाम। साथियों, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके साथ साझा करनी है। जैसा आदरणीय जगजीत सिंह दल्लेवाल जी भी अभी बोल रहे थे, मैं इसी हरियाणा से हूं, तो हम एक बात देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां एक सोची समझी साजिश के तहत खासकर हरियाणा के नौजवानों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस वाले लोग एक बात समझ गए हैं कि वो सीधे तौर पे इस किसान कौम से नहीं टकरा सकते और इस किसान कौम से आज तक जिसने भी टकराने की कोशिश की है किसान कौम ने उसको मिट्टी में मिला दिया है, उसको नेस्ता नाबूद कर दिया है। ये इतिहास गवाह है, सैकड़ों सालों का इतिहास इस बात का गवाह है। ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग डरपोक लोग हैं, लेकिन साथियों जो डरपोक होता है, जो जितना बड़ा डरपोक होता है वो उतना ही बड़ा षड्यंत्रकारी और साजिश रचने वाला होता है। तो ये बीजेपी आरएसएस वाले लोगों ने जिस तरीके से 26 तारीख को साजिश रची थी, अब ये दोबारा से साजिश रच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में अलवर के पास चौधरी राकेश टिकैत की गाड़ी पे बीजेपी और एडीवीपी के लोगों ने पथराव किया, उसके बाद कोई जरूरी काम ना होने के बावजूद बीजेपी और जेजेपी के नेता जानबूझ के हरियाणा की जनता के बीच में जा रहे हैं और हरियाणा के नौजवानों किसानों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हिसार में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गए, वहां उनको कोई काम नहीं था, सिर्फ जनता को उकसाने के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की सभी रीति रिवाज, पूरी संस्कृति को अपमानित करते हुए
सत्रहवीं के दिन ये गए रोहतक में शनिवार के दिन। मेरे बुजुर्गों हरियाणा की संस्कृति हरियाणा के रीति रिवाज कहते हैं कि तेरहवीं और सत्रहवीं का कार्यक्रम शनिवार को नहीं होता, लेकिन इन राजनेताओं के मन में किसानों का नौजवानों का इतना डर है कि ये सभी रीति रिवाजों को ताक पे रखते हुए शनिवार के दिन सत्रहवीं में शामिल होने चले गए। वहां पे जब किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया तो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया गया, बुजुर्ग किसानों के सर फोड़े गए, टांगे तोड़ी गई। जब हिसार में उप मुख्यमंत्री का किसान विरोध कर रहे थे तो वहां पे पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े नौजवानों के ऊपर। उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने उकसाने वाले बयान दिए। बीजेपी के एक नेता ने तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया अन्नदाता के लिए, जिन शब्दों को हम यहां मंच से नहीं दोहरा सकते, इस मंच से उन शब्दों को हम नहीं बोल सकते, इतने बिगड़े बोल बीजेपी के नेताओं ने बोले। साथियों, जब ये घटनाएं हुई तो कई जगह हमारे नौजवान भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने, किसानों ने भावनाओं में आके, जोश में आके अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए सांकेतिक तौर पे 10 मिनट 15 मिनट के रोड जाम किए, और जैसे ही मोर्चे ने कहा कि आप इसको हटा दीजिए रोड जाम को, तो हरियाणा के सभी नौजवानों, सभी किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल पे वो अपने धरने वहां से तुरंत हटा भी लिए। साथियों, आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि अब जो आगामी 14 तारीख है, 14 तारीख को अंबेडकर साहब की जयंती है, एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने यह बहुत पहले से कह रखा है कि बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के कार्यक्रम अपने गांवों में, अपने शहरों में हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी वाले लोग किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी, हमारे भाईचारे के विरोधी हैं, और मैं तो ये कहूंगा ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग देश विरोधी लोग हैं। तो अब जो 14 तारीख को अंबेडकर साहब की जयंती है और उस जयंती के दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने यह कॉल दे रखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे सभी किसान सभी धरनों पे अंबेडकर साहब की, संविधान निर्माता की जयंती मनाएंगे, तो हरियाणा बीजेपी ने एक साजिश के तहत यह कार्यक्रम दिया है कि 14 तारीख को ही हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी के लोग सभी जिलों में जाके, सभी ब्लॉक में जाके वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पूरे मुद्दे को बहुत अपने संज्ञान में लिया और बहुत गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया है, और मोर्चे का क्या फैसला है आज वो शाम को आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया जाएगा। मेरा एक सभी भाइयों से निवेदन है, मेरे भाइयों, यदि 14 तारीख को हम बीजेपी या उनकी सहयोगी पार्टियों के कार्यक्रमों का विरोध करेंगे तो ये बीजेपी वाले क्या दुष्प्रचार करेंगे, ये दुष्प्रचार करेंगे कि देखो भाई, हम तो अंबेडकर साहब की जयंती मनाना चाहते थे लेकिन ये किसान नहीं मनाने दे रहे हैं। और खासकर उत्तर भारत की बात करें तो पिछले 2 महीने से बीजेपी को बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है मेरे भाइयों, क्योंकि अब किसानों के साथ साथ हमारे समाज का दलित भाईचारा, हमारे साथ हमारे समाज का मजदूर भाईचारा इस आंदोलन में हमारे साथ